हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कुर्ती बनाते हैं या ब्लाउज़ बनाते हैं डीप नेक बनाते हैं उसमें तो अगर आपके कंधे गिरते हैं या फिर आर्म होल लूज़ हो जाते हैं तो वो क्यों होते हैं और वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाएगी तो उसकी मैं पूरी ड्राफ्टिंग बताऊंगी तो वीडियो एंड तक देखना आप स्टैंडर्ड साइज़ में ले रही हूँ फोर्टीन शोल्डर का फिफ्टीन होल का और चेस्ट ले रही हूँ मैं थर्टी सिक्स ठीक है उसके अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करेंगे ये स्टैंडर्ड साइज़ है हालांकि चेंज भी हो सकता है जैसे कि आप मेजर करते हो तो सोलह भी हो सकते हैं शोल्डर आर्म होल भी सोलह हो सकते हैं सेवनटीन हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मैं स्टैंडर्ड साइज़ ले रही हूँ आपको समझाने के लिए ठीक है तो शोल्डर 14 आर्म होल फिफ्टीन और जो हमारी चेस्ट है वो है थर्टी सिक्स तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सेवन बाई सेवन का ब्लॉक बनाएंगे सेवन इंच का शोल्डर और सेवन इंच का आर्म होल तो हम एक सेवन बाय सेवन का ब्लॉक बनाएंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि शोल्डर का तो हाफ ले लिया सेवन लेकिन आर्म होल का हाफ़ सेवन पॉइंट फाइव होता है तो आर्म होल हमने सेवन क्यों लिए तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी तो इसके लिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ये मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्यों ऐसा लिया जाता है तो अब हम चेस्ट लेंगे चेस्ट जो कि हमारी थर्टी सिक्स है उसका वन फोर्थ करेंगे नाइन और पॉइंट फाइव ऐड कर देंगे लूजनेस के लिए तो नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगी हमारी चेस्ट ठीक है अब हम एक एक इंच के मार्जिन पर बैकनेक की डीपनेस बनाएंगे तो मतलब एक इंच से लेकर दस इंच तक मैं बैकनेक बनाऊँ और ध्यान रखिएगा ये बैकनेक है फ्रंट नेक का इसमें कोई रोल नहीं है फ्रंट नेक आप जितना भी डीप बना सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंधों पर या आर्म होल पर वो नॉर्मली रहते हैं लेकिन अगर आप बैक नेक डीप बना रहे हो तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपके शोल्डर्स पर और आर्म होल की मार्किंग्स पर तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा नेक की ब्रॉडनेस हम ढाई इंची ले रहे हैं और शोल्डर में हम मार्किंग्स करेंगे पॉइंट टू फाइव यानी कि वन फोर्थ इंच के मार्जिन से तो सेवन और सिक्स पॉइंट सेवन फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव इस तरह से हम फोर पॉइंट फाइव तक हम मार्किंग कर देंगे और इसी तरह से हमने आर्म होल में भी ऐसी मार्किंग्स कर दी हैं तो अब हम शोल्डर्स को लाइक 6.75 का शोल्डर है तो उसको 6.75 के आर्म होल से हम ज्वाइन कर देंगे इसी तरह से बाकी के शोल्डर्स को भी हम आर्म होल से ज्वाइन कर देंगे लाइक अगर सिक्स का शोल्डर है तो उसे सिक्स के आर्म होल से हम ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से हमारे ब्लॉक्स बन जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमारा बैक नेक एक एक इंच से डीप होता जाता है उसी तरह से हमारे शोल्डर एक पॉइंट टू फाइव इंच से और आर्मोल भी पॉइंट टू फाइव इंच से कम होते जाएंगे तो देखिए स्टैंडर्ड साइज़ मैंने लिख दिया शोल्डर का फोर्टीन और आर्म होल का फिफ्टीन तो मैं आपको बताती हूँ अगर बैकनेक एक से लेकर चार इंच तक का है तो उसकी उसमें शोल्डर की और आर्म होल की ड्राफ्टिंग कैसे होगी और अगर चार इंच से ज़्यादा है लाइक पाँच से लेकर दस इंच तक का बैकनेक है तो उसमें शोल्डर की और आर्म होल की ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ बैक नेक हमारा अगर एक से लेकर चार इंच तक होता है तो उसमें हम शोल्डर आर्मोल जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं ब्लॉक उसी तरह से बनाएंगे तो जैसे हम जैसे शोल्डर हमारी फोर्टीन है तो उसका हाफ़ हम सेवन लेंगे और आर्मोल हमारे फिफ्टीन है तो उसका हाफ़ सेवन पॉइंट फाइव होता है लेकिन हम सेवन पॉइंट फाइव नहीं लेंगे हम सेवन ही लेंगे ऐसा इसलिए होता है जब हम आर्मोल कर्व बनाते हैं तो वो चेस्ट एरिया में कवर हो जाता है देखिए अब हम इंची टेप से इसको नापेंगे तो पहले हाफ़ इंच छोड़ देंगे ऊपर तीला जो लगाते हैं हम कंधे पर उसे हम छोड़ देंगे उसके बाद से हम नापेंगे तो ये देखिए इंची टेप से नापने के बाद ये आ रहा है आठ इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही बना है मान लीजिए शोल्डर फोर्टीन है और आर्म होल सेवनटीन है तो अगर आर्म होल सेवनटीन है तो उस पर्सन का चेस्ट एरिया भी ज़्यादा ही होगा तो इसका मतलब ये है कि जब हम कर्व बनाएंगे आर्म होल का तो वो चेस्ट एरिया में कवर हो जाएगा तो इसलिए जब भी आप एक से लेकर चार तक का बैक नेक बनाते हैं उसमें आर्म होल और शोल्डर सेम रहेंगे जितना शोल्डर है उतने ही आर्म होल आएंगे इसलिए स्क्वायर ब्लॉक बनेगा अब देखिए अगर बैक नेक चार इंच से ज़्यादा है पाँच इंच डीप है या छः या नौ दस या ग्यारह भी है इसमें हम शोल्डर का हाफ सेवन लेंगे और आर्म होल का हाफ फिफ आर्म होल फिफ्टीन है तो उसका हाफ़ हम सेवन पॉइंट फाइव लेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था एक से ले कर चार तक का नेक होता है तो जितने शोल्डर है उतने ही हार्मोल लेंगे लेकिन अगर चार से ज़्यादा का नेक होता है डीप नेक होता है तो फिर उसमें आर्म होल वही लेंगे जितने हैं उसका हाफ़ ही करेंगे शोल्डर के जितने नहीं लेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे हम पॉइंट टू फाइव इसमें माइनस करते जाएंगे एक नंबर से स्टार्ट करते करते तो फर्स्ट नंबर पे हमारे शोल्डर आ जाएंगे सिक्स पॉइंट सेवन फाइव और आर्म होल आ जाएंगे सेवन पॉइंट टू फाइव सेकेंड नंबर पे आ जाएंगे हमारे सिक्स पॉइंट सेवन फाइव शोल्डर और सेवन आ जाएगा आर्म होल इसी तरह से थर्ड नंबर पे सिक्स पॉइंट टू फाइव और आर्म होल सिक्स पॉइंट सेवन फाइव फोर पे आ जाएगा सिक्स एंड देन सिक्स पॉइंट फाइव पाँच पे आ जाएगा हमारा फाइव पॉइंट सेवन फाइव और आर्म होल सिक्स पॉइंट टू फाइव तो अब हम फाइव इंच के डीप नेक पर 5.75 शोल्डर को और 6.25 पॉइंट आर्म होल को ज्वाइन कर देंगे इसी तरह से 6 इंच का जब डीप नेक होगा तो हम 0.25 और माइनस कर देंगे शोल्डर और आर्म होल में से और शोल्डर आ जाएंगे हमारे 5.5 और आर्म होल आ जाएंगे हमारे 6। उसके बाद हम शोल्डर और आर्म होल को ज्वाइन कर देंगे 6 इंच के डीप नेक पर आगे भी हम इसी तरह से करेंगे हर एक इंच के डीप नेक पर शोल्डर और आर्म होल पॉइंट टू फाइव के मार्जिन से कम होते जाएंगे और फिर हम उन सब को ज्वाइन कर देंगे शोल्डर और आर्म होल को मैंने मार्किंग सब अलग कलर से की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो इस तरह से हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है एक से लेके कर चार इंच तक बैक नेक की मार्किंग ये है और पाँच से लेके दस इंच के बैक नेक की मार्किंग ये है तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है कि जैसे कि बैक नेक डीप होता जाता है तो फिर शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग्स क्या होंगे कितने इंचेस पर ये बनेंगे लेकिन जब आप कोई ड्रेस बनाते हैं तो फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल बनता है उसमें तीरा भी लगता है तो उसकी ड्राफ्टिंग पैटर्न डिफरेंट है डिफरेंट नेक लाइन्स में तो वो मैं आपको अब बताऊँगी किस तरह से करना है तो देखिए अगर हमारा बैक नेक एक से लेकर चार इंच तक का होता है तो उसमें हम बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल और तीरा किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हम ढाई इंच की चौड़ाई पर हम बैक नेक बनाएंगे मान लीजिए डीपनेस उसकी तीन इंच है एक से लेकर कर चार इंच तक कितनी भी हो सकती है उसके बाद हम तीरा बनाएंगे जो कि थोड़ा इंक्लाइंड होगा तिरछा होगा और हाफ इंच के मार्जिन पर गले से ले कर हाफ इंच के मार्जिन तक कंधे तक हम तीरा लगाएंगे अब हम तीरे से लेके चेस्ट लाइन तक एक मिड पॉइंट लेंगे और हाफ इंच की मार्किंग करेंगे अंदर की साइड अब तीरे से लेके इस हाफ इंच तक ज्वाइन करते हुए हम एक कर्व बनाएंगे और ये होगा हमारा फ्रंट आर्म होल अब इसी मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम एक और कर्व बनाएंगे बाहर की तरफ और ये होगा हमारा बैक आर्म होल तो ये ड्राफ्टिंग पैटर्न है अगर बैक लेंथ एक से लेके चार इंच तक होगा अब देखिए अगर हमारा बैकनेक पाँच से लेकर सात इंच तक के बीच में होता है तो आर्म होल और तीरे की ड्राफ्टिंग पैटर्न कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले ढाई इंच की चौड़ाई पर हम नेक लाइन बनाएंगे और डीपनेस होगी नेक की पाँच से लेकर सात इंच तक कुछ भी हो सकती है मान लीजिए हमने छः इंच ले ली इसमें शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे तीरा नहीं बनेगा इसमें क्योंकि अगर आपने तीरा बनाया जैसे हमने ऊपर की तरफ एक से लेकर चार इंच तक का बैक नेक था उसमें बनाया था तीरा तो अगर इसमें इस तरह से करेंगे तो फिर कंधे गिरेंगे इसलिए हम इसमें शोल्डर स्ट्रेट रखेंगे तीरा नहीं बनाएंगे इससे आपके कंधे नहीं गिरेंगे अब आर्म होल बनाने के लिए हम चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ टू इंचेस पर मार्क करेंगे अब इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम एक कर्व बनाएंगे ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा इसके बाद हमने जो टू इंचज की मार्किंग की थी उसी पर हम हाफ़ इंच का निशान लगाएंगे बाहर की तरफ अब हम तीरे से लेके यानी कि शोल्डर से लेके कर इस हाफ इंच को जॉइन कर लेंगे और फिर इस हाफ इंच से करते हुए हम एक कर्व बनाएंगे जो कि हमारा बैक आर्म होल होगा तो गाइज ये आर्म होल का ड्राफ्टिंग पैटर्न है अगर हमारा डीप नेक होता है पाँच छः और सात अब देखिए अगर बैक नेक हमारा एट नाइन या टेन होगा तो वही उसके लिए हम पहले बैक नेक बनाएंगे और तीरा इसमें हम इंक्लाइंट बनाएंगे यानी कि अंदर की तरफ हम तीरा बनाएँगे हाफ इंच के मार्जिन पर लेकिन जिस तरह से हमने एक से लेकर चार इंच तक का बैक नेक था तब हमने तीरा बनाया था और वो बाहर की तरफ बनाया था हमने बाहर की तरफ शोल्डर की तरफ हमने हाफ इंच लिया था इसमें हम नेक लाइन की तरफ हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और फिर तिरछा हम तीरा लगा देंगे इससे आपके शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नेक होता है तो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में तीरा लगाने से आपके शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे अब आर्म होल बनाने के लिए हम मार्किंग करेंगे चेस्ट लाइन से टू इंचेस ऊपर की तरफ जैसे हमने यहाँ उसके बाद हम इस पॉइंट से चेस्ट लाइन तक एक कर्व बनाएंगे और ये होगा हमारा फ्रंट आर्म होल अब हम ये टू इंचेस का जो पॉइंट था यहाँ से हम हाफ इंच बाहर निकालेंगे और शोल्डर को इस हाफ़ इंच से जॉइन करके फिर बाहर की तरफ हम एक और आ, कर्व बनाएंगे और ये होगा हमारा बैक आर्म होल अगर आपको आर्म होल कर्व की तीरे की ये डिटेल्ड में ड्राफ्टिंग चाहिए तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने में मेंशन कर दिया है और सजेशंस में भी मैंने आपको उसका लिंक मेंशन कर दिया है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा डीप नेक का ड्राफ्टिंग पैटर्न अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग